ग्रीन बिल्डिंग सेंटर घरे मापना भरोसा कर सकी थे हमारे उत्पाद हाँ ACC ईंट ग्रीन पेवर्स ACC ग्रीन प्री कॉस्ट बाउंड्री वॉल लाल ईटन से सस्ता चार गुना मजबूती एवं ACC के विश्वास पता है उड़गड़ी बरगवा सिंगरौली बड़े खबर में मध्य प्रदेश के विंध्य में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचल हाँ बता दें कि सतना में सबरी जयंती के अवसर में कोल जनजाति महाकुंभ कार्यक्रम में शामिल होए खातिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं अपना को बता दें कि प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारी की जा चुकी है गृह मंत्री के आगमन के और यातायात कलई के पहले अपना का हिदायत दे चुकन है कई मार्ग जो है VIP रूट के तहत डाइवर्ट कर दिन गए हैं तो कुछ आम जनता खातिर प्रतिबंध खलाय लगा दिन गया है जैसे गृह मंत्री के सुरक्षा या फिर कार्यक्रम में कोनो अव्यवस्था के स्थिति निर्मित न हुए थे खबर में आप अपना बताओ कि आखिर केंद्रीय गृह मंत्री सतना कई बजे पहुंचा हाँ अपने बता दी कि सतना पहुंच के मैहर जय ही मैहर में सबसे पहले दर्शन करी जैसे बाद कार्यक्रम में शामिल हुई तो विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल मां पूजा अपना पंचायत सभी जन इनका प्रणाम कही थे शुरू कही थे बड़ी खबर से बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विशेष विमान से खजुराहो से सबसे पहले सतना के मैहर पहुंची ही जहां शारदा माता के मंदिर में दर्शन पूजन करी मैहर के बाद हेलीकॉप्टर से सतना हवाई पट्टी पहुंची है जहां शबरी माता जन जन जयंती के अवसर में कोल जनजाति महाकुंभ में शामिल हुई जिसके बाद हेलीकॉप्टर से कृपालपुर स्थित मेडिकल कॉलेज भवन के लोकार्पण समारोह में शामिल हुई है Z+ सुरक्षा इंतजामन के बीच केंद्रीय गृह मंत्री की यह एक दिवसीय कार्यक्रम बता दें कि संपन्न हुई कोल जनजाति के महाकुंभ और मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण समारोह में केंद्र और राज्य के करीब 7 मंत्री शामिल होला हां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग वन मंत्री विजय शाह खाद्य और आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह जनजातीय कार्य और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री मीणा सिंह पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग राज्य मंत्री राम खिलावन पटेल के अलावा प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा घलाय कार्यक्रम में शामिल होए खातिर पहुंच रहे हैं बता दें कि दोपहर 12:25 में छतरपुर जिला के खजुराहो के एयरपोर्ट में गृह मंत्री अमित शाह पहुंची जहां दोपहर 12:55 में सतना जिला के मैहर बता दी कि हेलीपैड पहुंची ही यहाँ माता शारदा के दर्शन बताए दी कि 1 बजे के आसपास करी पूजा पाठ करी और उसके बाद 1:30 बता दी कि सर्किट हाउस में पहुंची अमित शाह बता दें कि दोपहर 2:35 में हेलीकॉप्टर के द्वारा मैहर से सतना खाते प्रस्थान करी और एक बाद 3:15 सतना में कोल जनजाति महाकुंभ में शामिल हुए खातिर पहुंची हैं वह शाम 5:15 बता दी कि सतना के मेडिकल कॉलेज कैंपस में मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन करी और इस दौरान जनसभा का संबोधित करी 6:45 में ओम इंटरनेशनल होटल पहुंच के एक बैठक में शामिल हुई जहां गृह मंत्री अमित शाह सतना में बता दी कि रात में विश्राम करी 25 फरवरी का सवेरे 10 बजे बता दी कि सड़क मार्ग के द्वारा सतना एयरपोर्ट पहुंची और वहां से 10:45 पर हेलीकॉप्टर के द्वारा खजुराहो एयरपोर्ट पहुंची बता दें कि सवेरे 10:50 में खजुराहो एयरपोर्ट से गोरखपुर खातिर प्रस्थान करी थी मिनट टू मिनट कार्यक्रम हम अपना का बता रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं सतना में Z+ सिक्योरिटी के साथ तमाम सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हम इससे पहले बता दें कि सतना में कार्यक्रम के मद्देनजर कुछ VIP रास्ता बनाए गए हैं उमा आम जनता का आवागमन खातिर जो है रास्ता डाइवर्ट किया है काहे से कि करीब 10,000 की संख्या में यहाँ बस के समय दूसर वाहन पहुंचे के अनुमान लगावा जा रहा है और एक मद्देनजर कोनो मेर की अव्यवस्था कार्यक्रम में न हो या फिर आम जनता का शामिल आम जनता का न हो एक खातिर पुख्ता इंतजाम किए गए हम तो सजग रहिए और सतर्क रही रखिए आप और अपने परिवार के बहुत ख्याल दे इजाजत प्रणाम एनिमेशन विजुअल इफेक्ट इन सभी में रोजगार की अपार संभावना कल्पना और तकनीक का अद्भुत मेल एरिना एनिमेशन अब सतना में यहाँ है बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर उन्नत कंप्यूटर लैब और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का साथ ग्राफिक्स डिजाइनिंग 2D एंड 3D एनिमेशन और VFX की अनूठी राह खोल देगी सफलता के नए द्वार संभावनाओं का असीमित आकाश एरिना एनिमेशन एरिना है तो जॉब है